तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें हम दोबारा से लुकअप वाले ऑप्शन को देख रहे हैं एक दूसरे एग्जांपल के जरिए, जिसमें हम यूजर अकाउंट की हवाले से देखेंगे। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ से ब्राउज किया, ब्राउज करके हम यहाँ से चले गए डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से मैंने एक्सेस फाइल्स का एक फोल्डर उसको सेलेक्ट किया, और उसमें जाने के बाद रॉयल का फोल्डर देखना था जो कि नहीं मिला। एमएस एक्सेस के फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे रॉयल के फोल्डर में चले गए। यहाँ पे हमने इसका नाम रखा क्लास फोर, और यहाँ पे रखा हमने यूजर अकाउंट्स, यूजर अकाउंट्स एग्जाम्पल, ठीक है। इसको सेव कर दिया, अब इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक बार जरा साउंड चेक कर लेते हैं। ओके, तो यूज डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हमारा ये नेविगेशन बार है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट में गए, और क्रिएट में जाके हमने कहाँ पे क्लिक करना है, टेबल पे। टेबल पे क्लिक करके हमने क्या करना है, सेव। सेव करके हमने एक टेबल बना रहे हैं यूजर रोल, किस नाम से बना रहे हैं, यूजर रोल। ओके कर दिया, ये एक टेबल बन गया। यहाँ से क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। डिजाइन व्यू में कैसे गए हम इसमें, यहाँ से क्लोज करेंगे, टेबल पर राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। यहाँ पे इसका नाम रखा हमने यूजर आईडी, उसका टाइप ऑटो नंबर रख दिया। यहाँ पर हमने यूजर रोल के नाम से एक फील्ड बनाई है और उसको शॉर्ट टेक्स्ट पर रख के क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक किया, क्रिएट किया, और यहाँ से फॉर्म विजार्ड में गए, यहाँ से दोनों फील्ड्स को ऐड कराया, नेक्स्ट कर दिया, और कॉलमर टाइप पर रख के नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया यूजर रोल, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। ये यहाँ पे एक क्रिएट हो गया टेबल। इस फॉर्म को क्लोज किया, फॉर्म पे राइट बटन दबाया, डिजाइन व्यू में गए, ये फॉर्म ऐसे नजर आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा किया, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट किया, चारों को बल्कि फॉर्मेट में गए, यहाँ से फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसको, यहाँ से क्लिक करके हमने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। यूजर आईडी, यूजर रोल, और क्लिक करके हमने इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा कम कर दिया। अब इसमें यहाँ पे यूजर आईडी लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे काम की नहीं, इसको भले यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे यूजर रोल पे हमने सिर्फ क्लिक किया, आर ओ एल ई रोल लिख दिया, और आगे ये रोल दिखाई दे रहा है, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसके लिए बटन बनाएंगे, क्रिएट में फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा कमांड बटन, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे और एक बटन बनाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एड न्यू के नाम से एक बटन बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, ये बटन बन जाएगा। एक दूसरा बटन बनाएंगे सेव के नाम से, यहाँ क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से सेव के नाम से एक बटन बनाएंगे, सेव पे क्लिक करके फिनिश करेंगे, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इन बटन्स की विड्थ और हाइट सेम करने के लिए हम इन बटन को दो अलग अलग जगहों पे रख देते हैं, जैसे एक को यहाँ रख देते हैं और दूसरे को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से जाके हमने इनकी जो विड्थ थी यहाँ पे क्लिक करके, और विड्थ यहाँ पे हमने टाइप कर देनी है, देखना कौन क्या करे। यहाँ पे क्लिक करके हमने इसकी विड्थ जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गई। अब इसको यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर कर दिया, ये ज़्यादा हो गई। अब इसको हम यहाँ से कम क्लिक करके 5 सेंटीमीटर पर सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे बन गई, एड न्यू का बटन बन गया, और यहाँ पे क्लिक करके दूसरा बटन हमारा बन गया सेव का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे इस तरह से रख दिया। उसके बाद ये दोनों बटन बन गए, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इनका जो फॉर्मेट फॉन्ट है क्लिक कर दिया, बोलना बैठा क्लास हो रही है, ठीक है। इसके बाद सेव कर दिया, यहाँ से सेंटर करना, और यहाँ पे अरेंजेस में जाके हमने यहाँ पे इसको डाउन एरो पे रख दिया, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे सेव करा दें, यहाँ पे इस तरह से कर दिया। इसके बाद यूजर रोल पर रख के हमने इसको इस तरह से रख दिया, क्लिक करके यहाँ से इसको हमने आगे कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ से यूजर रोल के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दें, और फिर हम इसके अंदर 2-3 रोल सेट करा लेंगे। तो हम फॉर्म को खोलेंगे, तो यहाँ पे रोल आ गया, एक रोल हमने रख दिया जैसे एडमिन, और इसको सेव कर दिया। न्यू रोल लिया हमने, इसका नाम रखा स्टैंडर्ड, या सपोज टू बी स्टैंडर्ड यूजर, यहाँ से इसको सेव कर दिया। फिर एक रोल हमने इसमें ऐड करा दिया प्रिंसिपल, और इसको भी हमने सेव कर दिया। फिर एक न्यू कर दिया स्टूडेंट का रोल ऐड करा दिया इसके अंदर, और हमने इसको सेव कर दिया। ये सारा डेटा जाके कहाँ सेव हो गया, इस टेबल के अंदर, देख रहे हैं। अब यही प्रोसेस एक दफ़ा फिर से रिपीट करना है। एक क्रिएट बनाएंगे, टेबल करेंगे, यहाँ से जाएंगे डिज़ाइन व्यू के अंदर, और यहाँ पे जाके इसका नाम रखेंगे यूज़र इन्फो, यूज़र इन्फो के नाम से रखेंगे, और इसको ओके कर देंगे। फिर इसके अंदर ये यूज़र आईडी पहली वाली टेबल की फील्ड का नाम रखेंगे, तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लेंगे लास्ट नेम दूसरी फील्ड लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे यूज़र नेम लेंगे इसकी तीसरी फील्ड,
और यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम, ईमेल एक फील्ड ले लेंगे इसकी, ईमेल ले लेंगे और फिर उसकी एक फील्ड ले लेंगे पासवर्ड। पासवर्ड की फील्ड की जो टाइप होगी वो यहाँ पे देखते हैं, पासवर्ड दी हुई नहीं, पासवर्ड नहीं दी हुई, तो ठीक है पासवर्ड की टाइप को पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, जर्नल में आएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो इसका, चलो फिलहाल इसको रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आएगा यूज़र, यूज़र रोल, यहाँ पे यूज़र रोल ऐड कराएंगे। लेकिन यूज़र रोल अभी आप भले ना लिखें लेकिन इस फील्ड को हम इस टेबल के साथ लुकअप करेंगे। कैसे करेंगे? इसके साथ यूज़र रोल यहाँ पे क्लिक करेंगे, लुकअप विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कौन से टेबल में जाएंगे, यूज़र रोल वाले पे जाएंगे और वहाँ से इसकी फील्ड लेंगे यूज़र रोल, क्योंकि ये हम वहाँ से ले रहे हैं डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये देखें यूज़र इन्फो में, यूज़र इन्फो में ऐड बन गया और उसके अंदर यूज़र रोल से कनेक्ट है। चेक करने के लिए डेटाबेस में जाएंगे, रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो दोनों टेबल आपस में देखें कनेक्टेड है बता रहा है। क्लोज कर देंगे, तो यहाँ से सेव करके क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र इन्फो पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे, सारी फील्ड्स को ऐड कराएंगे, नेक्स्ट करेंगे, चालू पर टाइप पर रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन। ये हमने नाम रख दिया किसका, दूसरे वाले फॉर्म का। ये फॉर्म बन गया यूज़र रजिस्ट्रेशन का। इसको सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, ये फॉर्म बन के यहाँ आ जाएगा। इसको राइट बटन दबाएंगे, डिज़ाइन व्यू में ले जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और सबको सेलेक्ट करके इनका जो फॉर्मेट है वो फॉन्ट को सेट करेंगे 16 के ऊपर और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें यूज़र आईडी वाले हिस्से को हम यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, तो यहाँ से हो गया फर्स्ट नेम इस तरीके से और इसका जो लास्ट नेम है और इसको यहाँ से ले लेते हैं, लास्ट नेम यहाँ से ले लेते हैं और इस तरह से हो गया। यूज़र नेम वाले को यूज़र नेम चाहिए, ईमेल पे ईमेल चाहिए, पासवर्ड पे और यूज़र रोल पर, तो यहाँ पर यूज़र रोल हटा के यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं रोल। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पे लाके और फिर वही दो बटन यहाँ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे अभी हमने सीखे थे, क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बटन बनाएंगे और रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाके यहाँ से लेंगे ऐड न्यू और यहाँ से क्लिक करके करेंगे न्यू, यहाँ से एक बटन बनेगा फिनिश करके यहाँ से न्यू का और दूसरा बटन बनाएंगे सेव का। तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके यहाँ से करेंगे सेव और रेक्स करेंगे और सेव का बटन बनाएंगे, सेव करेंगे, फिनिश करेंगे, दोनों बन जाएंगे। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से जो विड्थ थी इसकी, ये प्रॉपर्टी यहाँ से खुलेगी, तो दोनों को सेलेक्ट करके इनकी विड्थ वही रख देंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख के एंटर करेंगे, 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके फॉर्मेट्स में अरेंजेस में जाके यहाँ पर साइज के नीचे होगा ऑप्शन आएगा, 2 फिट है और अलाइन आ रहा है, बॉटम कर देंगे, दोनों एक साथ अरेंज हो जाएंगे, सेव कर देंगे। अब देखें आपके पास दोनों फॉर्म बन गए। यहाँ से यूज़र को खोलेंगे, यूज़र का नाम लिखा जुबेर, मोहम्मद जुबेर और इसका यूज़र नेम बनाया हमने जुबेर डॉट कुरेशी और ईमेल लिखा जुबेर डॉट कुरेशी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, पासवर्ड लिखा जुबेर 123 और रोल इसका हमने रखा सपोज स्टूडेंट और सेव कर दिया। तो ये डेटा कहाँ से आया, इस टेबल में से, और ये सारा डेटा कहाँ चला गया, इस टेबल के अंदर। न्यू किया हमने यहाँ से, यहाँ पे हमने लिखा मोहम्मद रफीक और रफीक डॉट कुरेशी, इसका यूज़र नेम सेट किया रफीक डॉट कुरेशी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, इसका ये रखा पासवर्ड रखा रफीक 123 और यहाँ से जाके इसका रोल रखा स्टूडेंट, सेव कर दिया। तो आप देखें आपका काम बहुत इजी हो गया, यहाँ पर आपका सारा डेटा सेव होता जा रहा है और यहाँ पर से आपका रोल जब भी कोई नया ऐड करेंगे, जब भी कोई नया रोल ऐड करेंगे तो आप यहाँ से ऐड करेंगे और जब भी कोई आप जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से करेंगे, और अगर दोनों को एक ही में रखना हो तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे नेविगेशन पे और यहाँ से आप ले लें, मेरा ख्याल है कि वर्टिकल नेविगेशन ले लेंगे वाला, और दोनों फॉर्म्स को इसमें ऐड करा दें, यूज़र रजिस्ट्रेशन को ऐड करा दें और यूज़र रोल को ऐड करा दें। तो अब आपका काम और सही हो जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं मेन, ओके कर देते हैं। अब दोनों काम एक ही में हो जाएंगे, आपको अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं, आप मेन को खोलें, जब यूज़र की रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ क्लिक करें और यूज़र रोल ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। इस तरह आपका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ये इसके ऊपर बन जाएगा। समझ में आ गई बात ये?